डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम लोग देख पा रहे होंगे एक्सरसाइज 12.3 12.3 के क्वेश्चंस को। तो 12.3 के क्वेश्चन में तीन तक के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। चार नंबर क्वेश्चन यहाँ आप देख पा रहे होंगे, आकृति 12.22। तो 12.22 का आकृति ये वाला है। इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज है। देख लीजिए, समबाहु त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है और इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल और ये भी पूरा रंगा हुआ है। त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त चाप खींचा गया है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते होंगे फिगर में हम लोगों का सबसे पहले क्या है, एक त्रिभुज है भाई जिसका भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर भुजा है, इसका नाम है ओ ए बी। ठीक है, अब इसको केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा गया है ऐसे। ठीक है, और इसमें इसका सब कलर किया हुआ है, मतलब ए बी कलर किया हुआ है, ए बी कलर किया हुआ है मतलब टोटली कलर किया हुआ है। ठीक है, ये सभी कलर पार्ट्स कलर किए हुए हैं, ए भी कलर किया हुआ है और ए भी कलर किया हुआ है, ये सभी पार्ट्स कलर किया हुआ है। और इसका हमें 6 सेंटीमीटर दिया है, इसका दूरी कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें उस पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं कि ओ ए बी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो पहले लिख दीजिए, दिया है त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए थीटा पता चल गया 60 डिग्री। क्योंकि अगर आप मान लो कोई भी समबाहु त्रिभुज होता है तो उसका एक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपको ये बात याद रखना होगा कि कोई भी एक समबाहु त्रिभुज होगा ना तो उसका एक कोण कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये हम लोगों का थीटा पता चल गया 60 डिग्री, और भुजा ए बी का हमको दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको सबसे पहले आप देखिए, तो हम इस पूरे ओ ए बी का निकाल कर और ये दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड तो ये ना हुआ, और पूरा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल कर और ये त्रिभुज का निकाल कर जोड़ देंगे तो हम लोगों का टोटल एरिया निकल जाएगा छायांकित भाग का। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल में कुछ किसका किसका ऐड करेंगे, तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस, और ये दीर्घ त्रिज्यखंड बन रहे हैं। हम आपको त्रिज्यखंड के बारे में बोले थे कि एक वृत्त का अगर केंद्र से त्रिज्या 2 बिंदु तक मिलता है तो इसको लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, और इधर बाद बाकी इधर वाला जो बच रहा है इसको दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। तो दीर्घ त्रिज्यखंड ये वाला बन रहा है, तो यहां लिख सकते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोगों को निकल जाएगा। अब त्रिभुज ओ ए बी ए का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का फार्मूला याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो कुल मिलाकर त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, चूंकि यह समबाहु है तो इसका हो जाएगा √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इसका त्रिज्या हमको दिया है 6 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की आर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, और प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड कैसे निकलता है भाई, तो दीर्घ त्रिज्यखंड निकालने का रूल है कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से, वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटा दिया जाए,
लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ये दीर्घ कैसे निकलेगा भाई, तो पूरा वृत्त में से, पूरा वृत्त में से ये वाला त्रिज्यखंड को घटा लिया जाए तब दीर्घ बन जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ कर दीजिएगा √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना रखना है, भुजा रखना है 12 के स्क्वायर प्लस, अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है π r² माइनस लघु त्रिज्यखंड का थीटा बट्टा 360 गुने π r² तो पाई के तो बारे में कुछ नहीं बोला कि कितना रखना है, तो हम रखेंगे 22/7। तो √3/4 गुने 144, 12 का स्क्वायर 144, इसका रखिएगा 22/7 गुने r, r का स्क्वायर, तो r कितना है त्रिज्या 6, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा माइनस थीटा कितना 60/360 गुने 22/7 गुने में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना रखेंगे, आर के जगह पे 6 है, 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट का काम कर लीजिएगा, इसका वैल्यू निकाल कर और इसका वैल्यू निकाल कर पहले घटा लीजिएगा, घटाने के बाद जो भी आएगा उसको इसके जगह पे कुछ कटेगा तो कट कट कर देंगे और फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आंसर में देख लीजिएगा कि √3 में आंसर है कि नहीं, √3 में होगा तो √3 को छोड़ दीजिएगा और नहीं तो √3 का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, हालांकि कहीं बोला नहीं है क्वेश्चन में कि √3 का मान कितना रखना है, इसलिए √3 को √3 छोड़ दीजिएगा और बटा में 4 से ये कट रहा होगा तो काट देंगे, और काटने के बाद इसके साथ पहले पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे जितना आएगा तब इसके साथ ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्यूशन कीजिएगा, हम समझा दिए क्वेश्चंस को, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ है क्वेश्चन नंबर 5, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है। चतुर्थांश का मतलब त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड में चतुर्थांश में 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा, क्या लिखा है कि एक यहाँ पे वर्ग है जिसकी भुजा सब भुजा 4 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ वाला कोना का त्रिज्या 1-1 सेंटीमीटर पर एक चतुर्थांश कट किया गया, चारों तरफ से ये कटा हुआ है ना, और 2 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त भी काटा गया है। देखिए बीच वाला जो है उसका व्यास हमको दिया है 2 सेंटीमीटर, जिसकी आकृति इतना में दिया है 12.23 में, तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल यानी कि जो रंगा हुआ है। चलिए हम आपको फिगर से दिखाते हैं क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले एक वर्ग है और इस वर्ग का भुजा हमें दिया है 4 सेंटीमीटर, ए भी 4 है, ए भी 4 है, सब भुजा 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये सब टोटल 4 वर्ग की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। आप पेंसिल की सहायता से फिगर जो है एकदम क्लियर कट बनाइएगा सीधा, ठीक है, लगे कि वर्ग है, वृत्त है, ठीक है। हम आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं ना, दिखाते हैं, समझाते हैं, तो अगर हम पेंसिल की सहायता से, स्केल की सहायता से यूज करेंगे तो शायद आपको नहीं दिखेगा, इसलिए हमको जबरन पेन का इस्तेमाल करना पड़ता है। खैर आप बनाइएगा पेंसिल और स्केल वगैरह का इस्तेमाल करके। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला का एक चारों कोना पर ऐसे कट किया गया है, काटा गया है, इसका त्रिज्या कितना है 1, यानी कि 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक, 1 है सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर का सब त्रिज्या है, ठीक है, ये ठीक है। और बीच बीच में ना दोस्तों एक 2 सेंटीमीटर का व्यास है, इसका व्यास कितना दिया है यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर दिया है, 2 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगा। अब इसके बाद इधर 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 कलर किया गया है, यानी कि यही है छायांकित भाग, शेष भाग का क्षेत्रफल, तो यही है हम लोगों का शेष भाग का क्षेत्रफल। और ये निकलेगा कैसे भाई, तो इसको निकालने के लिए हम लोग काम करेंगे कैसे, तो आप देखिए पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से एगो चारों कोनों का क्षेत्रफल और बीच में जो वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल को घटा देंगे तब हम लोगों का छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या दिया है, तो वर्ग की भुजा दिया है कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, चतुर्थांश की त्रिज्या, ये चतुर्थांश
बन रहा है ना, ये चतुर्थांश बन रहा है, चतुर्थांश की त्रिज्या दिया है हम लोगों का 1 सेंटीमीटर, और बीच में जो वृत्त है वृत्त का व्यास दिया है, वृत्त का व्यास यानी कि डी दिया है 2 सेंटीमीटर, तो उसका भी त्रिज्या निकाल सकते हैं 2/2 यानी कि 1। व्यास में 2 से भाग करते हैं तो त्रिज्या निकल जाता है। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे तो इस तरीके का सब कुछ दिया है। अब हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में से, वर्ग का क्षेत्रफल में से घटाएंगे किसको भाई, तो घटाना होगा हम लोगों को 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए यानी कि पूरा वर्ग में से पूरा वर्ग का निकाल के और चतुर्थांश ये हुआ, अब ये 1 गुना चतुर्थांश हुआ, हम लोग इसको 4 से गुना कर देंगे, 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश इसको कहा जा रहा है तो 1 गो है ना, तो टोटल 4 से गुना कर देंगे और माइनस में कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल बीच में है इसको भी माइनस कर देंगे। कुल मिलाकर चतुर्थांश में हम लोग जानते हैं कि थीटा कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ चतुर्थांश कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर माइनस 4 गुने, चतुर्थांश एक तरह का त्रिज्य खंड है, थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, भुजा कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने, इस थीटा के जगह पे कितना रखना है 90, क्योंकि चतुर्थांश में थीटा कितना होता है 90 डिग्री का, तो 90/360 गुने, इस पाई के जगह पे 22/7, आर का स्क्वायर, तो त्रिज्या कितना हम लोगों को दिया है चतुर्थांश की त्रिज्या 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस पाई की जगह पे कितना रखना है भाई 22/7, और इस त्रिज्या के जगह पे कितना रखना है, ये वृत्त ना है तो वृत्त के लिए हमको व्यास दिया था तो वृत्त का भी त्रिज्या 1 लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ पर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये कट रहा है 4 बार में और ये कट रहा है 1 बार में, तो कुल मिलाकर यहाँ आ जाएगा 22/7 और माइनस में 22/7, और इसको बटा में कर लीजिएगा 1, और इसको खुद से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो इस तरीके से इसको जितना सॉल्यूशन करके आएगा एलसीएम ले लीजिएगा इसका 177 का, और जोड़ घटाकर जितना आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कुल मिलाकर इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, और फिर इसको आप पूरे आंसर तक आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, और फिर जैसा आता है आप आंसर से मैच कर लीजिएगा, और फिर इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 5 तक के डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए अगले दिन से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्टिंग करेंगे, तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।